नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही बेहतर परिणाम के बारे में साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जो प्यार दे रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं रियली में काफी ज्यादा प्रभावित हूं और उत्साहित भी हूं कि नहीं, आपके भविष्य को बनाने के लिए, आपकी जिंदगी को बनाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं। मुझे बहुत ही ज्यादा भीतर से लगन जगी हुई एक श्रद्धा है कि आप जरूर सफल हो, खासकर जो वर्तमान में रहते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। उस परिस्थिति में वर्तमान भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि भविष्य को बनाए कैसे अगर अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए, अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो वर्तमान को बेहतर करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले जो अभी तक आपका अचीवमेंट रहा है उसका इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आप क्या अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रोजाना कुछ कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? कभी समीक्षा किया है आपने? क्या हमने जो प्लान किया था वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ? ये जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है? ये सबकी समीक्षा करते हुए मुझे लगता है कि आपको अपने आगे की रणनीति बनानी चाहिए। ये जो भविष्य है उज्जवल करना इतना आसान नहीं है। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि धैर्य के साथ साथ उस सपनों को जिंदा रखना है जो आपको आगे जाकर के सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। आपको अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको उन सारे लोगों से मुलाकात करते रहना पड़ेगा, बातचीत करते रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर उन सारे लोगों से कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा, उनके वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। जो लोग आपको पॉजिटिव करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और यह जो कदम है आपको आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा देगी। ये सकारात्मक ऊर्जा पता है आपको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा भी आपके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा है, एकमात्र आप हैं जो खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं। कभी खुद को एनालिसिस करना, आईना में जाकर देखिए। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको कोई डिगा सकता है, आपको कोई बढ़ा सकता है या गिरा सकता है, उठा सकता है, कुछ भी होगा, एक और केवल एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो ये काम करेगा, पता है कौन? यस आप स्वयं फैसला कर सकते हैं, वो निर्णय कर सकते हैं जिसमें आप खुद के भविष्य को संवार सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं बहुत चिंतित हूं आपके भविष्य को लेकर के, लेकिन मैं वर्तमान में कर रहा हूं ना, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं मैंने अपने लिए किया, फिर मैं आपके लिए कर रहा हूं। कर भला तो हो भला के सिद्धांत पे मैं आपको भी सफल होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी योगदान होगी। और ये योगदान कम नहीं है, आप अपने पैर पे खड़ा होते हैं और इससे आप समाज के प्रगति में, शांति स्थापित करने में, अपने परिवार को सुख में जिंदगी देने में आप एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, है नहीं? तो बस सोचे नहीं, अपने उस भविष्य को सवारने के लिए अपने इस कदम को मजबूत करते चले। जहां कहीं भी लगता हो कि मैं फिसल रहा हूं, डिग रहा हूं, अरे मैं हूं ना, अरे याद कीजिए, आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई विषय पर लगता हो कि यहां पे गाइडेंस मिल जाता मुना सर का, तो बहुत बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से
मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। हमारा जो अनुभव रहा है, मैंने जो देखा है, उसके आधार पे आपके भविष्य को संवारने के लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं गाइड करूंगा, है कि नहीं? तो अपनी जिंदा दिली बनाए रखिए और इस जिंदा दिली के साथ अपने भविष्य की तरफ अग्रसर होइए। कभी खाना बनाते हैं तो उसके स्वाद को इमेजिनेशन करके कितने एक्साइटेड होते हैं, पनीर बनाते हैं, मीट बनाते हैं, मछली बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं तो उसके स्वाद को पहले ही चख लेते हैं। तो सफलता की स्वाद को चखिए अभी और वास्तव में जब आप बढ़ जाएंगे उसका आनंद ही आनंद आएगा। मेरे दोस्त, अपने भविष्य को बनाने के लिए आप सतर्क हो जाए, पॉजिटिविटी के साथ कदम बढ़ाकर रुकना मना है, बस जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है रुकना मना है। इस सिद्धांत के साथ कर भला तो हो भला करते हुए आप आगे बढ़िए और मुझे लगता है कि इस तरह से आप अपने जिंदगी को संवार पाएंगे और बहुत ही बड़े व्यक्ति बन पाएंगे। तो इस आशा के साथ कि आप अपने सपनों को जिएंगे, भविष्य को बनाएंगे और उस भविष्य के सफलता के शिखर तक पहुंचा करके एक अमृत को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।